एलवी यादव के प्लेग्राउंड सीजन 3 जीतने के बाद ना ही फुकरा इंसान ने कोई रिएक्शन दिया, ना ही कैरी मिनाटी ने कोई रिएक्शन दिया, बट एलविश के ऊपर मनीषा रानी का एक जबरदस्ती का रिप्लाई जरूर आया है। सुगाइस कल मनीषा रानी को सपोर्ट किया गया था एंड वहाँ पर उनसे ये पूछा गया कि एलवी यादव के प्लेग्राउंड सीजन 3 जीतने के बाद आपका क्या रिएक्शन है, एंड वहाँ पर मनीषा रानी ने क्या रिप्लाई किया आप लोग खुद देखिए। मनीषा जी, एलविश भाई जीत गए प्ले लॉट क्या कहने का? मनीषा जी, एलविश भाई जीत गए प्ले लॉट क्या कहने का? अच्छा, वो जीते मुझे नहीं पता है। कॉन्ग्रेचुलेशन। ट्विटर के ऊपर हैशटैग कैरी का बाप एल्विस भी ट्रेंड कर रहा था। सो गाइस, इन सभी चीजों के बारे में आप लोगों का अपना क्या ओपिनियन है, अपने ओपिनियन नीचे कमेंट करके जरूर से बता देना। एंड ऑल्सो गाइस, जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा, लक्ष्य की क्रेजी दीप के साथ भी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो रखी है, क्योंकि क्रेजी दीप ने अभी तक एल्विस यादव के ऊपर 5-6 वीडियो रोस्टिंग वाली निकाल रखी है, जिसके बाद एल्विस के दोस्त लक्ष्य ने भी क्रेजी दीप को रोस्ट करते हुए एक वीडियो निकाल दी एंड क्रेजी दीप को अपने ऊपर एक भी रोस्टिंग वीडियो नहीं सही गई। एंड वहीं पर क्रेजी दीप ने लक्ष्य और एल्विस यादव को फिर से रोस्ट करते हुए एक और वीडियो अपने चैनल के ऊपर डाल दी है, जहाँ पर उन्होंने एलवी यादव लक्ष्य को रोस्ट करते हुए कुछ ये कहा है। चलिए, लेकिन तू अपने एक्सपीरियंस से बता रहे कि चाटने के बाद तेरे को छाले हो जाते हैं। 2005 में नरेगा योजना आई थी, जिसके अंदर जो बेरोजगार थे उनको रोजगार मिलता था, और 5 साल पहले एलविस रोजगार योजना शुरू हुई, जहाँ पे वो उनके दोस्तों को रोजगार देते हैं ड्राइवरी करवा के। भाई, जब भी क्रेजी की मम्मी बोलते ना कि बेटा हमारे घर में राशन खत्म हो गया, तो क्रेजी उनको एक ही जवाब देता है कि मम्मी आप 2 मिनट रुको, अभी थंबनेल पे ना एलिस भाई की फोटो लगा के आ रहा हूँ। थंबनेल के ऊपर फोटो डालने से अगर घर में रोजगार आता है, तो इस हिसाब से तो भैया हर रोस्टर के घर पे किसी और की वजह से रोजगार आ रहा है। चल, इसका पॉइंट तुझे दिया। माना कि एलविस की फोटो लगाने से मेरे घर पे रोजगार आ रहा है, लेकिन तेरे घर के तो राशन कार्ड पे पापा के नाम के आगे एलविस यादव लिखा हुआ है भाई, ऐसा काम। बाकी यहाँ पर आप लोग एलविस यादव और क्रेजी दीप के बारे में क्या कहना चाहोगे, आप किसे ज्यादा सपोर्ट कर रहे हो, अपने ओपिनियन नीचे कमेंट कर जरूर से बता देना। एंड गाइस, अभी के लिए बस इतना ही अपडेट था। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज बिल्कुल ना भूलें।